हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं, ये संडे का ब्लॉग है और इवनिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे शॉपिंग और सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं करी थी और मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट सा कुछ शूट करने के लिए आप लोगों के साथ। तो रेसिपी वगैरह अगले वीडियो में शेयर करूँगी साड़ी पर। और ये तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी रेडी हो रहे हैं और इसके बाद आगे का वीडियो आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तभी मैं बच्चों को रेडी कर दी हूँ और इसके बाद मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। और तो यहाँ पे मैं अभी लिप बाम अप्लाई कर रही थी और इसके बाद अभी रेडी हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो है हमारे क्वार्टर का बाहर का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो फिर इसके मतलब कि अभी रास्ते में है। तो अभी इसके बाद आगे के वीडियो में आप लोग के साथ, अभी वहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर मैं शूट करूँगी। तो अभी हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं। अभी हम लोग आ गए डी मार्ट में, तभी हम लोग गुड्डी अच्छी से लेकर आएंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ कुछ ले ले, बोलो कुछ ले ले, इधर पसंद कर ले। बैठा है, देखिए यहाँ पे सारा सामान है। ये क्या है? ये चीज सेप स्प्रेड है। इसका फ्रेंड है, देखो यहाँ पे बैठा है। मम्मी वहाँ पे ले रही है अभी सामान। आंटी 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 गली सोड़ी आज तलगुड़ी सोड़ी सोड़ी आज तलगुड़ी तुम्हारी ओली। यहाँ रोसीज़ तो यहाँ पे मैं स्टील का कुकर देख रही थी, तो मुझे 3 लीटर का लेना था। बट क्या था ना, यहाँ पे कंपनी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, फिर इसलिए मैं नहीं ली। और इसके बाद देखते हैं, मतलब कैंटीन में मैं जाकर देख रही थी बट 3 लीटर का अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। और देखते हैं इस बार जो होगा वहीं से लेंगे कैंटीन से ही। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन थे बट मुझे छोटा वाला लेना है 3 लीटर, क्योंकि 5 लीटर वाले हमारे पास है और मुझे स्टील का लेना है इस बार। तो यहाँ पे कुछ देख रहे थे, ये कपड़े वगैरह देख रही थी बट यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ड्रेस में।
ओए तो यहाँ पे हम लोग का शॉपिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा देख रही थी बट मुझे कुछ कलर समझ में नहीं आ रहा था, फिर इसके बाद बाकी मैं टी शर्ट वगैरह बेल्ट वगैरह मतलब जो भी मतलब कि जो मुझे अच्छा लगे थे एक दो आइटम तो मैं ले ली थी, और बाकी इधर स्लीपर्स वगैरह का था तो यहाँ पर मैं अपनी लड़की के लिए स्लीपर्स ली थी। तो यहाँ पे मैं हैंकी देख रही थी बट मुझे कॉटन का हैंकी लेना था क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे हैंकी टक बनाने के लिए बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है और हैदराबाद में तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस शॉप से हम लोग कचौड़ी ले रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आप हम लोग आए हैं हुला हॉप लेने के लिए क्योंकि डी मार्ट में नहीं मिला था और मेरी बेटी को चाहिए था आज ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मैंने जो ग्रोसरी का सामान है वो ले ली थी क्योंकि अधिकतर क्या है ना कि कैंटीन से हम ले लेते हैं, जो मतलब नहीं मिलता है कैंटीन में उसी को हम मतलब कि लेके आते हैं। तो ये आटा वगैरह, और इसके बाद ये मैंने मैदा ले ली थी और सूजी, और ये थोड़ा सा ये जीरा ले लिया था और मिर्ची, और इसके बाद थोड़ा ये पोहा ले ली थी, और इसके बाद एक देख सकते हैं ये मैंने एक खुद के लिए बेल्ट ली थी, और बाकी ये सब रबर बैंड, और ये देख सकते हैं ये मैंने एक स्क्रब ली थी, और इसके बाद एक ये देख सकते हैं ये, और इसके बाद उधरी से मैंने एक बटर ले ली थी और चीज़ ले लिया था और एक और चीज़ ले ली थी, और इसके बाद ये स्लीपर ली थी जो कि ये एक हस्बैंड का है और ये मेरी बड़ी वाली लड़की का, और एक मैंने यहाँ पे एक मैंने दूध गर्म करने का, मुझे काफ़ी मतलब कि दूध इकट्ठा हो जा रहा था ना तो फिर मैं गर्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने ये एक पतीला ली थी और ये नारियल मूँगफली वगैरह। बाकी सब सामान जो है वो कैंटीन से लाते हैं हम और थोड़ा बहुत जो भी है, तो बाकी सामान वगैरह तो बहुत सारा था, जो नहीं था वही मैंने ली थी, बाकी पहले का अगले मंथ का। तो बाकी जो सामान है वो सब हम कैंटीन से लेकर आएंगे, और बाकी मतलब जो कैंटीन में नहीं मिलता है वही हमने डी मार्ट से लेकर आए थे, नहीं तो जो मतलब कि जो मेरे मतलब कि जो मिलता है कैंटीन से वो हम लोग ले लेते हैं उधर से ही, और बाकी जो नहीं होता है उसको हम लेते हैं इधर इधर मतलब कि सिविल से जाकर। और यहाँ पे एक मैं टी शर्ट भी ली थी खुद के लिए, और बाकी ये सारे सामान थे। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।